गुड मॉर्निंग हेलो, सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप लोग? वेरी सब वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, ये बताएं। बढ़िया है, चलो बढ़िया देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट क्या कर रहा है। देखो, एक हमने पॉइंट चेक किया था, अभी खुला नहीं है मार्केट, अभी टाइम है मार्केट को खुलने में। एक साइडवेज मार्केट डिटेक्ट किया था हमने, ये वाला, राइट? ये हमारा एक साइडवेज मार्केट था। मैंने आपको दो पॉइंट बोले थे, अब देखते हैं मार्केट कहां पर कैसे खुलेगा, वो अलग पार्ट है। मार्केट यहां पर ऊपर जाएगा और मार्केट डाउन आया, और ये मार्केट का एक साइडवेज मार्केट डेवलप हो गया। मार्केट इसके 50% पर बैठा है, मार्केट है बाय में, लेकिन अब एक छोटा साइडवेज मार्केट कहां पर डिटेक्ट हो रखा है, ये रहा, राइट है? ये छोटा साइडवेज मार्केट डिटेक्ट हो रखा है, और मार्केट को किसके ऊपर खुलना चाहिए, इसके ऊपर खुलना चाहिए। और इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करोगे आप, इसकी लिमिट भी आप चेक कर लो। कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, इसके लिमिट डिसाइड करने का तरीका क्या है, ये किसका इनसाइड बार है? अगर मैं ये देखता हूं साइडवेज मार्केट, असल में इसका इनसाइड बार है, इस वाली कैंडल का, रेड वाली जो कैंडल है, इसका इनसाइड बार मार्केट आ रखा है पूरा। तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर खुलना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। और ये कौन सी पोजिशन है, ये पोजीशन आपकी 519 है। और मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, यस जरा बताए, मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, क्या ऊपर ट्रेड कर रहा है इससे या नीचे? नीचे नीचे। इसका मतलब क्या हमें बाय में निकल जाना है एकदम, ये बताए? नहीं। नहीं, बाय में नहीं जाना हमें। मार्केट कहां पर ट्रेड, और अगर गलती से मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, मतलब जो वेव बनी है, अगर मार्केट इसके नीचे ऊपर हो जाता है, तो गलती से भी बाय नहीं करना, क्योंकि मार्केट अपने लेवल को यहां तक ला सकता है, पिवोट तक, या इससे भी नीचे गिर सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। पहले अपनी स्ट्रेटजी बना लो। 9 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 9:08 तक प्री ओपन मार्केट क्लोज होता है, 9:15 तक आपके पास टाइम है। आपको 9 बजे देखना है मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है, ठीक है? 9:08 तक इसका मूवमेंट क्या है, 9:08 से 9:15 पर आपको अपनी स्ट्रेटजी रेडी कर देनी है। आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरे को बाय में जाना है या मेरे को सेल में जाना। अभी मेरे को बाय में जाने का कोई रीजन है? अब जरा बताइए, यहां पर क्या कोई भी रीजन बाय में जाने का दिख रहा है अभी अभी फिलहाल आपको? 9:06 हो गए, 2 मिनट बचे, कितना है? 22,383। 22,383 कहां पर आ रहा है, आप जरा चेक करें। 22,383 जरा बताएं कहां पर है, प्लीज, यहां पर ओके लो के नीचे। तो 385, 84 लगा लीजिए। तो क्या मेरा बाय में जाने का दिल है, नहीं है? बाय में जाने का हमारा, माइक माइक को बंद कर ले, बाय में जाने का हमारा भी कोई दिल नहीं है जब तक कि मार्केट मेरे को बाय ना दे दे। अभी आया नहीं है, देखो प्री मार्केट ये क्लोज हो गया है। अभी मार्केट कहां पर खुल रहा है, निफ्टी आ रहा है 22,385 पर। 385 कहां पर आता है, 22,385 आपके पास आ रहा है यहां पर, ये रहा। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया सर। यस ज्योति जी, राइट? जी सर, जी मैं देखो मेरी बड़ी विडंबना है ये, ठीक है, कि मैं आवाज से ही पहचान सकता हूं। अगर आप मेरे सामने आ जाए ना तो मैं नहीं पहचान सकता। जी सर हो सकता है मैं आपके सामने हूं, आप मेरे को पहचान लो, क्योंकि एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते हैं, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते हैं, वो 60 के 60 बच्चे टीचर को पहचान सकते हैं, लेकिन शायद टीचर 60 बच्चों को नहीं पहचान पाएगा, ठीक है? तो अभी देखो मैंने कम से कम हजारों लोग पढ़ा चुका, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं पहचान नहीं पाऊंगा। कितनी अजीब सी चीज है ना? पर कोई नहीं, आवाज से जरूर मैं पहचान लेता हूँ कौन है। अगर आप फोन करेंगे और मैं आपको पहले से बोल दूंगा, हाँ ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आवाज से आपको पहचान पाता हूँ, राइट ना? चलिए वापस चलते हैं आगे। हमारा मार्केट कहां पर खुल रहा है, हमने निफ्टी देखा, निफ्टी अपने लो के नीचे खुल रहा है। तो क्या मेरे को बाय के लिए सोचना है, अभी फिलहाल नहीं सोचता। मार्केट अपने साइडवेज मार्केट के डाउन में खुल रहा है, तो मेरे को अभी बाय के लिए गलती से भी नहीं सोचना, जाना नहीं कॉल की तरफ। लेंगे कॉल, लेकिन उसका रीजन क्या है कॉल लेने का? अगर मार्केट यहां से नीचे चलता है और यहां तक आता है पिवोट तक, क्योंकि मंथ डे और 1 घंटे में मार्केट बाय नहीं बैठा है, तो हो सकता है यहां कहीं से मार्केट कोई सपोर्ट लेके ऊपर चले,
तो अभी फिलहाल हम इस पे वर्क नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करता हूं तो निफ्टी बैंक आपका कहां पर खुल रहा है, निफ्टी बैंक का लो कौन सा है, निफ्टी बैंक का देखो ऊपर जाते हुए लो बनाया है ये वाला, इसके नीचे नहीं आना चाहिए निफ्टी बैंक को। अब निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक कहां खुल रहा है, 47,350 कहां पर आता है इसको भी देखें, 47,350। अब जरा बताइए 47,350 आ गया आपका ये रहा, कहां पर आ रहा है जरा बताएं, लो के नीचे खुल रहा है या ऊपर, दोनों नीचे आ रहे हैं। तो बाय में जाने का निमे जी कोई इशू है बताएं, कोई फायदा है नसीम जी बाय में जाने का, मनीष जी प्रशांति राज जी नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आराम से तसल्ली से बैठे, सेल भी नहीं करना, देखो सेल भी नहीं करना, सेल के लिए भी समझे सेल मेरे को नहीं करना है, सेल क्यों नहीं करना बताएं, सेल नहीं करने का रीजन क्या है, मार्केट अभी पिवोट के ऊपर बैठा है, मार्केट बुलिश है पिवोट के ऊपर बैठा है, तो अब मार्केट के नीचे आने पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, तो मैं साइडवेज मार्केट में मेरे को डिटेक्शन करना है कि मार्केट कहां खुलेगा। अगर मैं यहां पर जाता हूं निफ्टी बैंक में, बड़ा कर लेता हूं निफ्टी बैंक को, राइट है, निफ्टी को भी ले लेते हैं साथ में ही, दोनों ही मैं एक साथ ले लेता हूं, राइट, देखते हैं मार्केट कहां पर खुलेगा, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, इसका भी कोई काम नहीं है, और अब चलते हैं देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहां पर खुलेगा। मार्केट आ रहा है यहां पर, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं, अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम में देखता हूं मार्केट बाय में ही है, मंथ का सपोर्ट कौन सा है ध्यान से चेक करना, मंथ का सपोर्ट कौन सा हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये क्लोज दिख रहा है पिछला वाला, ये वाला, ये इसका सपोर्ट हो सकता है, तो मैं इस सपोर्ट को यहां पर ग्रीन कर देता हूं, देखते हैं वहां पर मार्केट सपोर्ट पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट का, वेट करेंगे देखते हैं, जहां पर भी सपोर्ट बनेगा उसके हिसाब से वर्क करेंगे। तो मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं, ये सपोर्ट की लाइन हो सकती है इसकी मंथ टाइम फ्रेम में, अगर वीक में देखते हैं तो वीक का भी यही सपोर्ट आ रहा है एक, ठीक है, यस ठीक है, और अगर मैं यहां पर से डे जाता हूं डे का भी सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, डे में एक इशू है, और डे में क्या इशू है, छोटा सा पॉइंट अगर देखते हो कि ये मार्केट यहां पर एक गैप छोड़ के गया था, देख रहे हो, और ये कौन सा गैप है, दो मिनट के लिए थोड़ा अलग टॉपिक पर चलते हैं, ये कौन सा गैप है, ये वाला कौन सा गैप था नीचे से, और ये वाला कौन सा गैप है, ये था इनिशियल गैप जिसे भरने के लिए मार्केट रेयर केस आता है, ये है मीडिएटरी गैप जिसको भरने के लिए मार्केट जरूर आता है, पॉइंट समझे, इसे भरने के लिए मार्केट रेयर केस आएगा और इसे भरने के लिए मार्केट जरूर आएगा, मीडिएटरी गैप को भरने के लिए मार्केट जरूर आएगा। अब अगर मीडिएटरी गैप भरता है मार्केट 1%, मान लेते हैं कि मार्केट नीचे चलेगा, पुरानी कैंडल के नीचे आ रहा है, तो मार्केट अगर यहां पर खुलेगा तो इस गैप को हो सकता है भरने आ जाए, गैप भरे अपने पिवोट के ऊपर ही है डे में, तो मार्केट अभी बाय में ही रहेगा, तो हम इसे अभी सेल में नहीं बोलेंगे, और मैं ब्लैक पिवोट भी मार्क कर लेता हूं, मार्केट इसके नीचे आना नहीं चाहिए, वन डे का पिवोट है, वन डे का पिवोट, पिवोट पे ही काम करके देख लेते हैं, ये मेरा पिवोट हो गया वन डे का, और इसको चाहे तो आप लिख भी लो, देखो ये आपका कौन सा पिवोट है, ये आपका है डे का पिवोट, अपनी तैयारी कर लेते हैं हम लोग, देखी जाएगी जब मार्केट खुलेगा तो उससे पहले हम अपनी तैयारी करते हैं, ये डे का पिवोट है, राइट है, ये कौन सा है इसको भी लिखे, ये है आपका वीकली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है, राइट है, इसको भी मैंने लिख लिया, और ये कौन सा है जहां पर मार्केट ओपन मार्केट होगा, ठीक है, मार्केट ओपन इस पॉइंट पर हुआ है, तो यहां पर भी चाहे तो नोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, यहां पर एक पॉइंट को नोट करना, एक गड़बड़ चीज, और क्या है वो गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़, उस चीज को चेक करना कि मार्केट ने क्या ऊपर चलते हुए एक बार भी रिट्रेसमेंट लिया है डे टाइम फ्रेम के अंदर, नहीं नहीं, ये पॉइंट समझना, छोटा छोटा हो सकता है मार्केट निकल जाए, मैं गलत बोल रहा हूं, देखो कुछ भी हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं सारा कुछ गलत हो, नहीं हो ऐसा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, मार्केट, मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब ऊपर चल रहा है तो आप रिट्रेसमेंट किसे मानते हैं, जब मार्केट पुरानी वाली कैंडल के लो के नीचे आ जाता है, तो आप जब यहां पर चेक करो ये क्या दिखाई दे रही, ग्रीन कैंडल,
ये क्या है 2G, राइट। और मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो क्या बोलेगा मार्केट, एक रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब रिट्रेसमेंट, यहां पर रिट्रेसमेंट ले सकता है, और अगर लेना चाहेगा तो अपने इस कैंडल का 50% यहां कहीं तक आ जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं मार्केट क्या करेगा, 14 हो गए हैं, अभी चलते हैं घंटे भर पर और देखते हैं मार्केट कहां पर खुलता है। यहां खुल रहा है मार्केट, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, कहीं पर भी, लेकिन इसका सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। मार्केट चूंकि अपने यहां खुल रहा है तो हो सकता है यहां को रेजिस्टेंस लेने चला जाए, कोई शूट भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर देखो अगर ऊपर चलेगा तो यहां से रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, राइट। अगर ऊपर चलेगा तो यहां रेजिस्टेंस है, बाय हमारा इसके ऊपर ही होगा, ध्यान रखिए बाय हम नीचे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर यहां से नीचे चलेगा तो ये वीकली सपोर्ट है, चेक करते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको एग्जैक्टली ये पॉइंट है, जबकि है मार्केट बाय में, अगर इसे ऊपर निकलेगा तो बाय निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसको नीचे जाना है तो पहला मूवमेंट इसका कौन सा हुआ, पहला मूवमेंट अप का है, अगर पहला मूवमेंट डाउन के बाद अप जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां से मार्केट एक डाउन ले सकता है और वीकली सपोर्ट तक आ सकता है, ये गैप कवर करने आ सकता है मार्केट पूरा का पूरा। देखते हैं हमारा मार्केट कहां पर बाय लेगा, अगर बाय होती तो बाय का भी जगह समझ लीजिए, बाय की भी जगह कहां पर है, ये जितनी भी कैंडल है, ये जितना भी कैंडल बनी हुई है, ये सारी कैंडल इस वाले मास्टर कैंडल के इनसाइड बार में काम कर रही है, राइट है, देखो इसके इनसाइड बार में काम कर रही है। मैं कोई और कलर डाल देता हूं, ब्लैक मैंने ले रखा है, इसको मैं किसी और कलर से डाल देता हूं। मेरा बाय किस पॉइंट के ऊपर है, मेरा बाय इस पॉइंट के ऊपर है, राइट है। अगर यहां से मार्केट नीचे चलेगा तो एक डाउन में आ सकता है, निफ्टी 50 भी डाउन में है, ये भी आ सकता है, राइट है। वेट कीजिए, मार्केट करता क्या है, बस वेट करना होता है, अगर वेट कर लेंगे तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके चला जाता है, यहां जब तक ये आपका रेड नहीं होगा तब तक मार्केट सेलिंग भी नहीं जाएगा, देखे जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा, और अभी वेट करना है कि मार्केट सेलिंग में जाता है या नहीं जाता है, थोड़ा सा वेट करें इसको, राइट। क्या हमें एंट्री कर जानी चाहिए या रुकना चाहिए, जल्दी से बताएं, एंट्री करनी चाहिए या रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब स्टार्ट होना चाहिए, क्या, अच्छा दूसरा केस, क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए, हाँ या ना, नहीं सेलिंग नहीं करनी चाहिए, यस बताएं, नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगी, ठीक है। तो अब पॉइंट आपके पास आता है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल ले सकता है, एक रिवर्सल यहां से आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो मार्केट को हमने क्या जजमेंट किया था, हमने अपना एनालिसिस किया था कि भाई जो मार्केट है वो यहां से इस पॉइंट से एक रिजेक्शन ले सकता है और बाय इसके ऊपर है। अगर मार्केट अब यहां से नीचे चलता है तो कहां तक नीचे जा सकता है, अब ये बताए नीचे का डाउन कहां तक हो सकता है इसका, सपोर्ट तक कुछ भी हो सकता है। तो अब मार्केट को पहली बात तो मेरा बाय इसके ऊपर बैठा हुआ है, मैं जबरदस्ती बाय नहीं करूंगा, यहाँ कैंडल ग्रीन होगी तो मैं बाय नहीं करूंगा। अगर मार्केट अपने लो के नीचे आया तो मार्केट का सपोर्ट लेवल ये वाला है, मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है, हाँ या ना, चल सकता है या नहीं, देखिए मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं है मार्केट, अभी चलने की कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट आ गया डाउन में, नहीं है, अभी थोड़ा सा और वेट कराएगा मार्केट। अगर बाय कहां पर है, बाय का ध्यान रखना, जब तक बाय ना आए तब तक आप बाय के अंदर एंट्री मत करें, जब तक बाय ना आए, अगर बाय नहीं आएगा, बाय आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा, इसके नीचे बाय नहीं आएगा। अभी चूंकि मैं अभी एकदम से सेल में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा सेल में, यस रीजन क्या है सेल में नहीं जाने का, क्योंकि मार्केट अभी बाय में बैठा है, तो अभी मैं एकदम से सेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में मार्केट बाय में है, शॉर्ट टर्म में नहीं है ना, नहीं सर, तो मैं बाय में भी नहीं जा सकता, मतलब बाय में जाने की मेरी कंडीशन इसके ऊपर है,
मैं यहां से बाय में बिल्कुल भी नहीं जा सकता जब तक कि मार्केट एक मूवमेंट ना ले ले। अगर मार्केट मूवमेंट लेता है तब मैं इसके अंदर मूव कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि अभी सपोर्ट ढूंढा नहीं है मार्केट ने। देखो ये कहीं ना कहीं से बाय लेके जाएगा, लेकिन वो बाय कहां से हो सकती है, वो बाय आपकी हो सकती है नीचे से, ये सपोर्ट लेवल है। या तो मार्केट इसके ऊपर चला जाए, इसको क्रॉस करे, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक बाय की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर नहीं गया मार्केट तो उसके बाद मार्केट आराम से सेलिंग की तरफ को चल सकता है थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए सेलिंग की तरफ को चल सकता है। अगर मैं इसी की जगह पर जाके बात करता हूं निफ्टी की, तो निफ्टी क्या कर रहा है बताएं, कोई भी बता दे निफ्टी क्या कर रहा है प्लीज, देख के बताएं निफ्टी ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, कहां चल रहा है निफ्टी जल्दी से। सर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट है। चलो मैं निफ्टी भी लगा लेता हूं, मैं निफ्टी को भी लगा लेता हूं, बैंक निफ्टी भी, दोनों के दोनों लगा लेता हूं मैं। अगर मैं यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट लगा दूं, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, निफ्टी 50 का, दोनों को चेक करते हैं, और ये मैंने लगाया निफ्टी बैंक का, दोनों लगा दिए मैंने। अब जरा दोनों को ऑब्जर्व करिए, दोनों क्या कर रहे हैं दोनों, और एक घंटे में ऑब्जर्व करते हैं दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों बाय दो, देखो जब तक दोनों बाय में नहीं जाएंगे तब तक बाय में नहीं निकल सकते ये दोनों। क्या कर रहे हैं जरा देखे, क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है जरा बताएं, बाय में जाने की कोशिश कर रहे हैं या सेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही सेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी चले नहीं है। कौन कौन मोमेंट से रोक रहा है इसको जरा बताएं, इसको मोमेंट से रोक कौन रहा है, बैंक निफ्टी या निफ्टी? निफ्टी रोक रहा है सर, निफ्टी, निफ्टी नहीं, जबकि आप सही तरीके से देखोगे तो निफ्टी मूवमेंट कर रहा है नीचे की तरफ को, बैंक निफ्टी अभी नहीं कर रहा है। स्लो कौन है, बैंक निफ्टी, राइट है। तो बैंक निफ्टी एक मूवमेंट ले सकता है अगर चाहेगा तो, अगर चाहेगा तो एक मूवमेंट उसे देखने को मिल सकता है। चलते देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी मेरे को बाय में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, बाय इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसका बाय कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर या इसके ऊपर बाय बैठा हुआ है, तो मार्केट अभी सेलिंग की तरफ को है, शॉर्ट टर्म सेलिंग की तरफ को, तो अभी हम बाय की तरफ को नहीं जा रहे, राइट है। मैं सेलिंग की तरफ को चलूंगा यहां से, पर बाय की तरफ एकदम से जाने की कोशिश में नहीं कर रहा हूं भाई, वेट करते हैं मार्केट करता क्या है, वेट करें थोड़ा सा, मार्केट जो भी करेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा मैं बाय तो अभी नहीं लूंगा, बाय तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, पर मैं सेलिंग की तरफ को कितनी देर तक जा सकता हूं जरा बताएं, कोई भी बता दे मैं सेलिंग की तरफ को कितनी देर तक जा सकता हूं जल्दी से। ट्रेड मेरा चलता रहता है, ट्रेड मेरा इतनी देर में हो रहा होता है, राइट है, ट्रेड मेरा चल रहा होता है ट्रेड। हाँ जी, वीकली सपोर्ट या पिवोट तक, वीकली सपोर्ट या पिवोट तक, यही दोनों पार्ट है जहां पर हम जा सकते हैं, हम उतना ही अंदर जाएंगे और उतना ही जाके वापस आ जाएंगे। ज्यादा इसके मैं सोचूंगा मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा, मार्केट ऐसा नहीं कर सकता, राइट है, बहुत बुरी तरह मार्केट नहीं गिरेगा। आप उम्मीद करते हो कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर जाएगा, हाँ या ना बताए, नहीं, मार्केट डाउन में आ रहा है, मेरे को पता है मार्केट डाउन में आ सकता है, मार्केट क्या करने आ रहा है डाउन में, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट केवल ये गैप कवर करने आ रहा है, क्योंकि ये मीडिएटरी गैप है, मजबूरी है मार्केट की इसे कवर करना, ये केवल और केवल कवर करने आ रहा है, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो अभी केवल वेट करना है आपको कि मार्केट अगर जाएगा तो एक मूवमेंट लेके जा सकता है मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें हल्का सा कि मार्केट यहां से। और भी क्या चेक कर सकते हो, प्राइस एक्शन, देखो इसका भी गैप है, एक बार समझो, इसका भी गैप है और इसका भी गैप है, दोनों का गैप है कि नहीं है, लेकिन दोनों का गैप कब कब कवर हो जाएगा इस पार्ट को भी समझना मेरे को जरूरी है। मार्केट ज्यादा देर सेल में नहीं रहेगा, इस बात का खास ख्याल रखना, ये मार्केट का गैप है, ठीक है,
और इसका भी मैं गैप मार्किंग करता हूं, इसका गैप कहां पर है, इसका गैप तो नीचे ही आ रखा, मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को अगर मैं चेक करूंगा, दोनों अपने गैप कवरिंग के लिए नीचे आ रहे हैं। अब जिसका भी गैप कवर हो जाएगा, एक बात का ध्यान रखना, जिसका भी गैप कवर हो जाएगा वो दूसरे को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर इसका गैप यहां कवर हो जाता है तो निफ्टी निफ्टी ऊपर चलने की कोशिश करेगा, तो ये बैंक निफ्टी को जहां पर भी होगा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा या नहीं? यस और नो? ये काम कर लेगा ये। तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां पर सेलिंग सेलिंग में नहीं है ना बाइंग में मार्केट है, इसको बोलते हैं मार्केट का न्यूट्रल होना। तो मैं इस समय ना तो मार्केट को सेलिंग की तरफ लेके जाऊंगा ज्यादा, ना मार्केट को बाय की तरफ। अगर आप बायर हैं, बाय की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको यहां वेट करना चाहिए, इसका वीकली सपोर्ट पर वेट करना चाहिए अगर आप बायर हैं तो। और अगर आप सेलर हैं तो आपको केवल छोटा सा पार्ट सेल करना है, इसके नीचे चलने लगे तो अलग बात है, अदरवाइज यहीं पर आपको यहीं तक सेल करना है, इतने पोर्शन को ही आप लेके जा सकते हैं, ज्यादा आप सेलिंग नहीं कर सकते, राइट है। ये सारे पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करना है कि जबरदस्ती ट्रेड के अंदर नहीं घुसना है, जहां पर आपको सही पॉइंट दिखे वहीं पर घुसना है, राइट है। आप देखो बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, देख रहे, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, लेकिन अभी पूरा पॉइंट उसने डाउन का लिया नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, चल रहा है आराम से नीचे, क्या निफ्टी का कवर हो गया है, गैप क्या निफ्टी का गैप कवर हो गया, निफ्टी का जिसका भी गैप कवर होगा समझ लीजिए कि वहां से गड़बड़ होने वाली है, जिसका भी गैप कवर होगा, राइट है। अब ये देखना है कि किसका गैप कवर होता है, जिसका भी कवर होगा समझ जाइए कि वहीं गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। चल रहा है मार्केट, देखो आराम से चल रहा है, यहां पर डाउन आ रहा है मार्केट, ये निफ्टी का गैप कवर होने वाला है, देख रहे हैं आप। हमें अपने ट्रेड को काट देना है, इस ट्रेड को मैं नहीं रखूंगा, देखो इस ट्रेड को मैं नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं रख रहा हूं प्लीज बताएं, लालच बुरी बला, लालच क्या है, लालच क्या है, बुरी बला, राइट। आपको अपने पॉइंट पर प्रॉफिट जितना मिल रहा है उसको आराम से बैठ के ले दो, राइट है। ये मैंने पहला ट्रेड किया, अब आते हैं दूसरे ट्रेड पर। अब मार्केट यहां पर निफ्टी का एक सपोर्ट है और बैंक निफ्टी अभी डाउन चल रहा है, अब मार्केट दो काम कर सकता है, या तो बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट लेगा, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जब निफ्टी यहां पर आ रहा होगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर कहीं बैठा हो, राइट, बीच में ही कहीं बैठा हो, पूरा नीचे ना आया हो, और निफ्टी अगर इसको ऊपर लेके चलेगा तो बैंक निफ्टी को यहीं से ऊपर ले जा ले। लेकिन इसका ऑपोजिट केस, मार्केट अगर नीचे गिरने लगा यहां से और बैंक निफ्टी आके यहां पर सपोर्ट लेता है इस जगह पर, तो हो सकता है निफ्टी नीचे कहीं गिरा हुआ हो, ऐसा हो सकता है या नहीं, हो सकता है यहां तक आया हो और बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा हो, तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर चलेगा तो फिर निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। तो आपको चेक करना है कौन अपने सपोर्ट पर है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको तो मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं जितना भी है। अब हम चलते हैं कम से कम 5 मिनट के पिवोट पर, अब देखते हैं पिवोट बेस पर मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है, 5 मिनट पे चलते हैं, जरा देख के बताएं पिवोट बेस पर मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है। मैंने इसमें पिवोट शायद लगाए नहीं है अभी, मैं पिवोट लगा लेता हूं, राइट, ये सीपीआर है, इसको देखो, ये जल्दी से लग जाते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, इसको आप क्या करो 5 मिनट में जाओ, कम से कम बाय कहां पर होना है बताएं, बाय का जगह कहां है, कम से कम पिवोट के ऊपर, क्या बाय का कोई सीन बन रहा है अभी कहीं से भी, यस अभी तो नहीं बन रहा है, आज तो बाय आती नहीं दिख रही सर, बहुत दूर है। आप बताओ जबरदस्ती, देखो मार्केट को समझ के काम करना है, जबरदस्ती काम नहीं करना मार्केट में कि बैठे तो मेरे को कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपको मार्केट बोलेगा बाय के लिए, जबकि एक पॉइंट ध्यान से नोट करना कि सारे लोग यहां पर कोशिश कर रहे होंगे सेल की, मैं ये बोल रहा हूं सेल मत करो, अगर करनी है, अगर आप चाहते हो सेल करना तो छोटी मोटी सेल करके बाहर निकलना है, इस पॉइंट को समझ ले, ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 को अगर मैं यहां से देखता हूं, ये सबको हटा दो और जरा चेक करो निफ्टी 50 कर क्या रहा है, निफ्टी 50 का सपोर्ट कहां पर है जरा बताए, एनवेव का सपोर्ट कहां पर है ये बता दो जल्दी से, एनवेव का सपोर्ट कौन सा है,
पीवोट के ऊपर। और देखो ये सपोर्ट नहीं है, ये क्या कौन सी कैंडल है, ये कंसोलिडेशन है, देख रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है। अगर एन वेव का सपोर्ट बोलूंगा तो एन वेव का सपोर्ट यहां आता है इसका, देख रहे हो, लेकिन इससे ऊपर का एक सपोर्ट बनता है और वो सपोर्ट कौन सा बनता है, ये गैप जहां तक आ रखा है, गैप का भी सपोर्ट होगा, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये पहले का भी सपोर्ट लेवल है। खाली यही नहीं, अगर पीछे जाओगे तो देखो ये सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, राइट, पहले के कभी सपोर्ट रहे होंगे, तो खाली एक पॉइंट का सपोर्ट नहीं है, पहले का भी सपोर्ट है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, और मैं यहां पर एक लाइन यहां डाल दूं ना जहां पर ये है, तो आपको पता लगेगा कि यहीं कहीं पर इसका मल्टीपल सपोर्ट था ये एरिया में, और ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है, देखते हैं करेगा नहीं करेगा। लेकिन एक पॉइंट है, अगर मार्केट अपने घंटे भर के पिवोट से नीचे आ गया तो हमारी एक सिमेट्री टूट जाएगी मंथ की, डे की और एक घंटे की, राइट, टूट जाएगी कि नहीं, और ये मार्केट तोड़ेगा नहीं समझे, ये मार्केट तोड़ेगा नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने आप को पिवोट के ऊपर ही ऊपर कहीं से भी बाय की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट समझिए, कहीं से भी ले जाए। अब मेरे को ये चेक करना है कि बाय की सिमेट्री बनती कहां से है, कहां पर आपका बाय बनेगा, तो पहला बाय मेरा आएगा यहां पर, देखते हैं, देखो यहीं से मार्केट अगर ग्रीन करके चला गया वापस भाग जाएगा पूरा का पूरा मार्केट। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूं तो निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट निकालते हैं, निफ्टी बैंक का अगर मैं सपोर्ट देखता हूं बड़े टाइम फ्रेम में, देखिए डे में मार्केट क्या कर सकता है, अगर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो मार्केट पिवोट तक आ सकता है, नंबर एक, ठीक है। अगर ये मार्केट का देखो ये सपोर्ट है, अगर आप देखोगे ये सपोर्ट है जहां से मार्केट नीचे चल रहा है, अगर यहीं से ऊपर चला गया फिर से मार्केट बाय पकड़ लेगा। मैं सेलिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, छोटा मोटा सेल किया है लेकिन सेलिंग के मूड में नहीं हूं मैं, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से मैंने सेल किया था, मेरी घर से कितनी क्वांटिटी रही होगी, ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी थी अप्रोक्सीमेटली 75 क्वांटिटी से मैंने सेल किया था छोटा सा। अब यहां पर पॉइंट समझता है, यहां पर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर भी अपना सपोर्ट पकड़ के वापस जाना है मार्केट को। हाँ, अगर इससे नीचे निकला तो हमारी दो तीन सिमेट्री टूट जाएंगी, एक घंटे के भी नीचे निकला तो भी सिमेट्री टूटेगी, और अगर एक दिन के नीचे निकला तो भी सिमेट्री टूटेगी, ठीक है। तो हम सिमेट्री, मार्केट नहीं चाहेगा कि अभी सिमेट्री तोड़ के सेलिंग की तरफ आए। ये मेरा एक दिन का पिवोट लगा लेते हैं इसको, ये मेरा डे का पिवोट है, पिवोट पर ही काम कर लेते हैं चलो थोड़ी देर, ये डे पिवोट है, राइट, मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा डे का पिवोट। चलते हैं जरा एक घंटे के पिवोट पर, घंटे भर का पिवोट कहां पर है, यस, देखें जरा, यही आपका डे का पिवोट और एक घंटे का, दोनों पिवोट यही बन रहे हैं। मैं देख लेता हूं मैंने कुछ गलती तो नहीं की, बिल्कुल यही बन रहे हैं, यही एक दिन का भी पिवोट और एक घंटे का भी पिवोट, दोनों पिवोट एक ही बन रहे हैं। इसका मतलब मार्केट को इसके ऊपर ही रहना चाहिए। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा और ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो एक घंटे का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट, 5 मिनट के पिवोट के ऊपर आएगा या नहीं बताएं, मजबूरी है उसकी आना, तो आप जरा 5 मिनट पे चलते हैं, और मेरा पिवोट कहां पर है, मेरा पिवोट यहां पर है, इसका मतलब बाय आने में टाइम लगेगा अभी, राइट है। अब ये बताएं क्या मार्केट ने कोई एनवे बनाई है, प्रोग्रेसिव एनवे, कुछ भी नहीं बनी, तो क्या बाय का कोई सीन बन रहा है अभी, नहीं बन रहा है, तो क्या आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, नहीं, आप बताओ, नहीं, किसने बोला कि आप इसमें ट्रेड करो, जरूरत ही नहीं है, चलो स्टॉक पे चले, स्टॉक पे चले, कोई काम ही नहीं है इसका, जो ट्रेड होना था जितना पैसा निकल सकता है, जितना पैसा निकल सकता है आप निकाल लिया आपने, बस ये निकल सकता था हमने निकाल लिया, ठीक है भाई, मेरे से और अच्छे एक्सपर्ट होंगे वो और अच्छा पैसा निकालेंगे, हमें तो इतना दिखा पैसा मैंने निकाल दिया। अब इसको ऊपर आने में टाइम लगेगा, और अगर मार्केट ऊपर आता भी है, ऊपर आता भी है तो एकदम शूट नहीं करेगा, मार्केट क्या करेगा, यस, यहां से मार्केट धीरे धीरे एनवे बनाएगा कि नहीं, चले इस पे एक पॉइंट पे और डिस्कशन में ले आते हैं, निफ्टी बैंक को या निफ्टी को ही, यहां से जरा पॉइंट समझो। अगर मैं क्लाउड बेस पर, चलो क्लाउड बेस पर चलते हैं 2 मिनट, अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो क्लाउड बेस पर मार्केट बाय में है या सेल में,
ये सेल में बैठा है, राइट है। कहीं से कोई गुंजाइश लग रही है बाय में जाने की अभी फिलहाल? नहीं है, सब कुछ डाउन में ही है। इसका मतलब और अगर मैं चेक करूंगा तो मार्केट अभी रिजेक्शन कहां से ले सकता है? हो सकता है यहां तक रिट्रेसमेंट लेके फिर रिजेक्शन ले जाए, पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ये मार्केट दोबारा से एक बार डाउन में आएगा और नीचे। हमारा सपोर्ट लेवल कहां पर है? यस, हमारा सपोर्ट लेवल है यहां तक मार्केट डाउन में आ सकता है। और अभी अभी हमने एक और चीज देखी थी कि मार्केट का गैप कहां तक आता था, गैप को भी साथ साथ में रख ले क्योंकि मार्केट वहां से गड़बड़ करके जा सकता है। ठीक है, इसमें गैप आपके पास कहां पर आ रहा है? बेस लाइन पर, अप्रोक्सीमेटली बेस लाइन के आसपास तक आपका गैप आ रहा है अप्रोक्स। तो ये हो सकता है कि मार्केट अपनी बेस लाइन के आसपास से, हो सकता है पिवोट, पिवोट पर आना बहुत मुश्किल काम है मार्केट का, इस बात का ध्यान रखना, पिवोट का बहुत मुश्किल काम है। देखो इस समय 47,300 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, 47,300 पे चल रहा है इसका कॉल, मैं लगा के रख लेता हूं इसको, अगर हमें मिलेगा तो हम इसमें बाय भी करेंगे। ठीक है, यहां पर से अगर मैं कॉल की बात करता हूं, कॉल का चार्ट भी ले आता हूं, चलो मेरे सामने ये मेरा कॉल का चार्ट है। ठीक है, जरा कॉल के चार्ट को देखिए, क्या कॉल का चार्ट आपको कहीं से भी क्लाउड के बेस पर बाय बोल रहा है? नहीं। चलो मैं कोई छोटा मोटा बाय पकड़ता हूं, एक एक मिनट का, एक मिनट का बाय जरा कहीं पर भी क्लाउड बेस पर दिख रहा है आपको? कौन बताएगा? जी नहीं सर, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं सर। ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन सीधा कर रहे हैं और क्लाउड बेस पर कर रहे हैं, कोई आपका डेल्टा नहीं है, कोई गामा नहीं है, कोई थीटा नहीं है। ठीक है, आप केवल चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं भी चार्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, आप भी देखते हो मैं कुछ नहीं लगाता, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल चार्ट के ऊपर ऑप्शन करो, तसली से होते हैं और मैं रोज करता हूं बिना एसएल के, बिना हेजिंग के। ठीक है, अब पॉइंट आपके पास यह है कि ये मार्केट अभी क्या कर सकता है? यस, क्या कर सकता है जरा दोबारा से बताएं, इस समय मार्केट दोबारा गिर सकता है, राइट है? अगर मैं इसी का ही एक पुट भी लगा दूं, 47,300 का पुट भी लगा दूं तो क्या होगा? चलिए 47,300 का पुट भी साथ में ले लेता हूं। पुट क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मार्केट को अगर मैं देखूंगा तो मैं पुट का भी चार्ट आपको साथ में लेके आता हूं, ये मैंने पुट भी ले लिया साथ में, राइट है? और थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है, ये मैंने पुट भी ले लिया साथ में। जरा पुट का चार्ट देखिए और कॉल का चार्ट, दोनों क्या कर रहे हैं? कॉल का चार्ट पूरा सेल में है और पुट का चार्ट पूरा बाय में है। क्या पुट का चार्ट आपको सेल बोल रहा है अभी? नहीं, जिसको जिसको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे, जिसको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे, केवल बस चार्ट पे ध्यान दे, राइट है? आप देखो मार्केट में अभी कहीं से भी इसकी पुट का चार्ट सेलिंग में नहीं आया। जब आपका पुट का चार्ट सेलिंग में आएगा तब आपका मार्केट एक डाउन साइड में चलना शुरू होगा, अभी नहीं, पुट का चार्ट बाय में मतलब अप साइड में चलना शुरू होगा, सॉरी। ठीक है, तो मार्केट अभी है नहीं, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे आएगा एक मिनट में तो हमारा मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां से देखिए कहीं पर नहीं बढ़ रहा है अभी, मतलब मार्केट अभी बाय में नहीं है, राइट? अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं, निफ्टी बैंक को देखिए, मार्केट अभी ट्राई कर रहा है अपने को ऊपर ले जाने की, देख रहे, मार्केट अपने आप को सस्टेन कराने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक को ऐसे देखेंगे तो मार्केट कहां पर सपोर्ट ले सकता है? हमारा मार्केट इस समय बेस लाइन पर या फिर पिवोट पर, किसके नीचे नहीं आ सकता मार्केट? किसके नीचे नहीं आ सकता, राइट है? और अगर आएगा भी, अगर बाय चांस थोड़ा बहुत आया भी तो क्लाउड का सपोर्ट लेके वापस भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मार्केट जब तक अपनी कैंडल को ग्रीन ना कर दे तब तक आप गलती से भी बाय मत करें। तीसरा पॉइंट, मार्केट अगर पहले जब ओपन होता है तो कहां जाना चाहिए? यस, जब मार्केट ओपन होता है और मार्केट को बाय में जाना है तो कहां जाना चाहिए? पहले सेल में, पॉइंट समझे? अगर मार्केट खुलते ही पहले बाय में जा रहा है तो बहुत चांसेस है कि थोड़ी देर बाद वो सेलिंग की तरफ चलेगा। अगर मार्केट खुलते ही सेलिंग की तरफ चल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मार्केट बाय की तरफ चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी देखो जैसे ही मार्केट खुला कहां गया था प्लीज बताएं? ऊपर गया था ना, राइट है? और उसके बाद मार्केट चल रहा है नीचे, तो हो सकता है मार्केट नीचे थोड़ा सा और आ जाए अभी, तो अभी हम बाइंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है
और अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट का थोड़ा सा हमें एक पॉइंट मिल जाए,